आज का इंसान इतना मतलबी बन चुका है कि वो अपने फायदे के लिए जानवरों को खत्म करने पे तुला हुआ है। इंसान को ये भी नहीं पता कि वो जानवरों को मार के कितना गलत कर रहा है। इंसान अपने स्वार्थ के चलते इतना अंधा बन चुका है कि उसको एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एनवायरनमेंट को दूषित करके धरती पे रह रहे सभी जीव जंतुओं के इकोसिस्टम को खराब कर रहा है। नेचर के साथ छेड़छाड़ करके इस धरती पे कई अन्य जानवरों को खत्म करने पे तुला हुआ है, चाहे वो धरती पे रहने वाले हो या फिर पानी में रहने वाले जीव हो। अपने स्वार्थ के चलते इंसान उनके जीवन को हानि पहुंचाने से बाज नहीं आ रहा। इन जानवरों की खत्म होने की वजह हम इंसान ही है। आज हम आपको ऐसी एक विलुप्त होने वाली मछली के बारे में बताएंगे जिसका नाम वेकीटा पॉलपोइस है, जिसकी संख्या इस दुनिया में केवल 10 ही रह गई है। ये धरती पे सबसे रेयर मैमल्स में से एक है। चलिए जानते हैं आज समुद्र जीव के बारे में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका चंपक लाल यूट्यूब चैनल पे। वेकीटा पॉलपोइस ग्रे और सिल्वर रंग में पाई जाती है। ये जीव मैक्सिको देश के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 5 फीट तक ही होती है और वेट 54 किलोग्राम तक होता है। इस मछली के विलुप्त होने के 2 कारण हैं। पहला, इनका शिकारियों के जाल में फंसना, और दूसरा, तोतोअबा मछली का खत्म होना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तोतोअबा मछली के खत्म होने से वेकीटा मछली पे क्या असर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वेकीटा मछली का खाने का सोर्स तोतोअबा मछली है। तोतोअबा मछली के न मिलने पर वेकीटा मछली को खाने में बहुत परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से वेकीटा मछली खत्म होने पर आई है। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या वेकीटा मछली को अभी भी बचाया जा सकता है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स का कहना है कि वेकीटा मछली को बचाया जा सकता है। उनका मानना है कि अगर हम उनके रहने की जगह से जाल हटा दें तो ये उनके लिए एक जीवन दान बन सकता है। वेकीटा मछली की कम संख्या को देखते हुए उसे विलुप्त होने वाली जीवों की लिस्ट में शामिल करना एक गलती है। यदि हम चाहे तो इस जीव को बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 50 सालों में ये अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। बस इंसानों को इन्हें सर्वाइव करने का एक मौका देना होगा। साइंटिस्ट ने 1985 से 2017 के बीच पकड़े गए वेकीटा के डीएनए पर रिसर्च किया था। इनका डीएनए आज के जिंदा जीवों से मेल खाता है। इसके बाद एक कंप्यूटर मॉडल की मदद से इस बात की प्रिडिक्शन लगाई गई, बेहतर एनवायरनमेंट मिलने पर 50 सालों बाद इनकी आबादी बढ़ सकती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका ये छोटा सा स्टेप हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।